हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एकेटी का रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों का रिज़ल्ट देखना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट देखना आ जाएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले अपना नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद आप लोग को अपना क्रोम ब्राउज़र या कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है AKT1View। आप लोग को सर्च कर लेना है। AKT1View सर्च कर जैसे ही आप लोग करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर AKT1View लिखा है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर अनुक्रमांक या रोल नंबर आपको फिल कर देना, वही रोल नंबर अनुक्रमांक होता है हिंदी में। तो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर मैं इस साल का देखता हूँ, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है। ऐसे वेरीफाई हो जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग खोज पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग खोज पर क्लिक करेंगे तो इस साल का अभी तक रिज़ल्ट नहीं अपलोड हुआ है इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग आ रहा है। तो मैं पिछले साल का एक रिज़ल्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम नॉट रोबोट क्लिक करना है, यहाँ पर खोजे पर क्लिक करना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे देखिए ये कुछ इस प्रकार से रिज़ल्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। यहाँ पर नाम, कॉलेज नेम, सब क्या कोर्सेस है सब इसमें अपना देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेशन दिखा रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दो सेमेस्टर का यह रिज़ल्ट है। एक सेमेस्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल थ्योरी, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पर बैक पेपर, इसमें एक भी बैक पेपर नहीं है। इंटरनल देख सकते हैं कितना मार्क्स मिला है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर का है, इसका मार्क यहाँ पर देख सकते हैं कितना मिला है इंटरनल और एक्सटर्नल में, और बैक पेपर एक भी नहीं है। इस साल का भी अगर अपलोड हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से ये दिखाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का ये है, इस प्रकार से आपका भी रिजल्ट शो होगा। तो अभी थर्ड सेमेस्टर का इसका नहीं है, दो सेमेस्टर का ही है। थर्ड सेमेस्टर का जैसे अपलोड हो इस पर शो होने लगेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।